Okay, now this is the local recording. Steam at 10 bar pressure and 0.9 Fahrenheit fraction. Steam volume pressure is starting with 10 bar pressure and 0.9 Fahrenheit fraction. Get 2 points, 1 or 2. First pay pressure to have given in 10 bar. And Fahrenheit fraction maximum value 0.2. यहाँ पे स्टीम का प्रेशर इन द न्यूमेरिकल दैट स्टीम एट 10 बार प्रेशर एंड 0.9 ड्राइनेस फ्रैक्शन इज कूल्ड एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम एट 160 डिग्री सेंटीग्रेड वॉट will be its final condition. So, यहाँ पे दिया है 10 bar pressure 0.9 time fraction is cooled at constant volume at 160 degrees centigrade. What will be its final condition? तो जब भी हम final conditions की बात करते हैं या quality of the steam की बात करते हैं तो इसका मतलब वो steam starting में वेट स्टीम की क्योंकि हम x की वैल्यू लिया है एंड में x की क्या वैल्यू होगी इस चीज को हमें डिटरमाइन करना है तो यू नो दैट स्टार्टिंग में 1.1 का हम स्पेसिफिक वॉल्यूम v f1 प्लस x1 v f g1 1.2 स्पेसिफिक वॉल्यूम की वैल्यू हम दिस फार्मूला एंड में v2 की वैल्यू क्योंकि दोनों जगह स्पेसिफिक वॉल्यूम जो है 1 और 2 में अगर हम Vf1 नेगलेक्ट कर दें नेगलेक्टिंग द वैल्यू ऑफ Vf1 देन इट बिकम्स V1 इज इक्वल टू X1 Vg1 और V2 एंड V3 इज इक्वल टू X2 Vg2 दोनों को इक्वल कर सकते हैं x1 Vg1 इज इक्वल टू x2 Vg2 x1 मींस ड्राइनेस फ्रैक्शन एट स्टार्टिंग पॉइंट 1 एंड x2 मींस ड्राइनेस फ्रैक्शन एट द पॉइंट 2 तो वैल्यू हमें x2 की निकालनी है यहां पे दिया है 0.9 ड्राइनेस फ्रैक्शन है और V1 10 बार है तो 10 बार ड्राइनेस फ्रैक्शन के लिए करस्पॉन्डिंग ये स्टीम टेबल है स्टीम टेबल में हम वैल्यूज को कैसे मेजर करते हैं तो सबसे पहले 10 बार पे हम वैल्यू मेजर करेंगे तो सबसे स्टार्टिंग में जो स्टीम टेबल्स की वैल्यूज दिया रहता है वो टेम्परेचर और प्रेशर के रिस्पेक्ट में यहाँ हम देखते हैं पहले टी दिया है फिर पी दिया है उसके बाद हम आगे देखेंगे तो पहले प्रेशर की वैल्यू दिया है देन टेम्परेचर की वैल्यूज दिया है तो हम आएंगे डायरेक्ट टी जहाँ पे 10 बार है क्योंकि न्यूमेरिकल में प्रेशर की वैल्यू हमारी दिया है 10 बार 10 बार पे हमारा वीजी की जो वैल्यू है वो 0.1943 वीजी इज इक्वल टू 0.1943 एक्स टू दस नंबर एक्स वन की वैल्यू जो है वो 0.194 और वीजी वन की जो वैल्यू है सॉरी ये वैल्यू वी जी वन की और एक्स वन जो ड्राइनेस फ्रैक्शन है ड्राइनेस फ्रैक्शन की वैल्यू जो है दैट्स 0.9 इस तरीके से एक्स वन और वी जी वन की वैल्यू को देखेंगे एक्स टू और वी जी टू की वैल्यू को देखेंगे ए एक्स टू निकालना है वी जी टू मतलब ये स्टीम क्या है 160 डिग्री सेंटीग्रेड तो ये हम मान के चलते हैं कि जब स्टीम 160 डिग्री सेंटीग्रेड है तो 160 डिग्री इज द केस ऑफ सुपरहीटेड स्टीम तो सुपरहीटेड जस्ट मिनट बाद 160 डिग्री सेंटीग्रेड के केस में इसकी वैल्यू क्या होगी इसके लिए हम सुपरहीटेड स्टीम की वैल्यू चेक करते हैं 160 डिग्री सेंटीग्रेड क्योंकि 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर जो भी वैल्यू होगी दैट इज द सुपरहीटेड केस देन द वैल्यू ऑफ x2
is to be calculated at 160 degree centigrade. So 160 degree centigrade will be the E2 value, that is 0.306. EG2 at 160 degree centigrade is equal to 0.306. इस वैल्यू को सॉल्व करें, तो हमारी एंड ऑफ द एक्सपेंशन पे लाइन की वैल्यू होगी, और इसकी वैल्यू आ रही है सॉल्व करने पे द वैल्यू ऑफ x2 दैट इज 57 मतलब हमारी जो स्टीम है वो 57% ड्राई है। तो इस तरीके से हम सिंपल वन और टू के केस में स्टीम टेबल के न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम देखते हैं जो भी स्टीम टेबल से रिगार्डिंग न्यूमेरिकल्स होंगे उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। Sample of a steam at 5 bar. Consider a numerical. A sample of a steam. In this numerical, we have to calculate three things. That is the first specific volume, second internal energy, and third is the enthalpy of steam. तो one by one पहले हम समझते हैं इस numerical में क्या चीजें दिया हुआ है, फिर उसके बाद हम इसको solve करते हैं। Okay, now come to the numerical that a sample of steam at 5 bar stated that the enthalpy is 2650 kilojoule per kilogram. Calculate specific volume, internal energy and enthalpy of the steam. हमें तीन चीज calculate करनी है, पहला है specific volume, then internal energy and then इंथैल्पी। तो सबसे पहले जब भी हम इंथैल्पी की बात करते हैं तो स्टार्टिंग पे वैल्यूज क्या दिया है। इन द न्यूमेरिकल इट इज गिवन दैट अ सैंपल ऑफ स्टीम एट 5 बार इज स्टेटेड टू हैव एन इंथैल्पी ऑफ 2350 किलो जूल पर किलोग्राम। मेक कैलकुलेशन फॉर द स्पेसिफिक वॉल्यूम कमा इंटरनल एनर्जी एंड एंट्रोपी ऑफ द सैंपल ऑफ स्टीम। तो सबसे पहले the dry saturated steam at 5 bar has a total heat of 2747
0.5 kilojoule per kilogram. Full stop. The enthalpy of the given steam is less than this value. As such, the given steam is wet and its dryness fraction can be worked out from the relation H is equal to HF plus X HFG. H की वैल्यू स्टार्टिंग में दिया हुआ है 5 बार पे 2350, तो डायरेक्ट हम वहाँ पे H की वैल्यू 2350 ले लेंगे। HF और X HFG, हमें HF और HFG की जो वैल्यू है उसको कैलकुलेट करना है वेट स्टीम के लिए, तो 5 बार पे HF की वैल्यू और HFG की वैल्यू हम राइट करेंगे, तो वहाँ से कैलकुलेशन पे X की वैल्यू आ जाएगी 0.811. Now specific volume of the wet steam, क्योंकि steam wet है, so x is equal to v is equal to x into vg. वहाँ से हम x की value लेंगे 0.811 और vg की value steam table पे 0.0375 value लेंगे. External evaporation, तो जब भी external evaporation की हम बात करते हैं, तो स्टीम के लिए एक्सटर्नल एवोपरेशन जो होगा P, उसको हम बार में लेंगे इनटू V. तो P की वैल्यू बार में हम 5 बार दिया है, तो इसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में चेंज करेंगे, तो 5 इंटू 10 टू दी पावर 5 होगा और V की वैल्यू हम लेंगे 0.3041. वहाँ से एक्सटर्नल वर्क ऑफ एवोपरेशन कैलकुलेट होगा 152 किलो जूल पर किलोग्राम. अब नेक्स्ट है, हमें इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट करना है. यू इज इक्वल टू एच माइनस पी वी. एच की वैल्यू हमारी दिया हुआ है जो कि 2350 है. पी वी अभी हमने कैलकुलेट किया है, क्योंकि पी इंटू पी को ही हम एक्सटर्नल एवोपरेशन कहते हैं, तो एच और जो हमारी एक्सटर्नल एवोपरेशन है पी इंटू पी, पी की वैल्यू जो है अगर स्टीम हमारी वेट है तो एक्स इंटू वी जी के टर्म में हम इसको लेंगे. नाउ इंटरनल एनर्जी हम जानते हैं यू इज इक्वल टू एच माइनस पी वी. पी वी की वैल्यू 152 आई है, एच की वैल्यू हमें पता है, यू इज इक्वल टू एच माइनस पी वी में लेंगे, देन यू इज इक्वल टू 2197 जो वैल्यू है वो आएगी. लास्ट इज द एंट्रोपी ऑफ द स्टीम. एस की वैल्यू है एस एफ प्लस एक्स एस एफ जी. एस एफ की वैल्यू हम पुट करेंगे 5 बार पे, ड्राइनेस फ्रैक्शन कैलकुलेट किया है 0.811 और वहाँ से एस एफ जी की वैल्यू आ जाएगी. तो इस न्यूमेरिकल में एक बार हम इसको और डिस्कस कर लेते हैं कैसे इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर रहा है. The sample of the steam at 5 bar. Pressure P is equal to 5 bar. Enthalpy value we have S is equal to 2.5. 5 bar के जो total enthalpy value है, that is 2.5. अब H1 is equal to HF plus X HG. H1 को हमारा दिया है 2.5. अब 5 बार पे एच एफ की क्या वैल्यू है और एच एफ क्या वैल्यू है, इस चीज़ को हम टेबल से निकाले. तो 5 बार पे एच एफ और एच एफ की वैल्यू क्या है, हम पहले आगे सबसे पहले प्रेशर लेते हैं 5 बार. तो 5 बार की वैल्यू है यहाँ पे पहले दिया है, दिस इज 5 बार पे एच एफ की वैल्यू करेस्पॉन्डिंग दिया है 6.45 की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया. अब एच एफ की वैल्यू 6.41 प्लस एक्स एच एफ जी की वैल्यू यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाली जो भी वैल्यू आई की हमारी ड्राइनेस फ्रैक्शन. नेक्स्ट हमें कैलकुलेट करना है स्पेसिफिक वॉल्यूम. स्पेसिफिक वॉल्यूम जो है डी वन एक्स वन भी डी वन क्योंकि ये स्टीम हमारी क्या है, ये स्टीम में हमारी वेट तो हमने सॉल्व किया था. x1 की वैल्यू जो हमारी आ रही है सॉल्व करने पे दैट इज इक्वल टू द 0.811. और Vg1 की वैल्यू निकालने के लिए Vg1 की वैल्यू स्टीम टेबल में
5 bar पे जो Pg1 की वैल्यू आ रही है दैट वैल्यू ऑफ Pg1 एट 5 bar दैट इज इक्वल टू द 0.0375 इस तरीके से हम x1 की वैल्यू ले लेंगे, Vg1 की वैल्यू ले लेंगे, x1 और Vg1 की वैल्यू को पुट करेंगे तो जो भी वैल्यू आएगी हमारी दैट इज द ट्राइंगल फ्रैक्शन स्पेसिफिक वॉल्यूम। तो डिफरेंट डिफरेंट केसेस के लिए हम डिफरेंट वैल्यूज को डिटरमाइन कर लेते हैं और इस तरीके से हम जो इस स्टीम टेबल की डिफरेंट न्यूमेरिकल्स है उसको सॉल्व करते हैं। तो आज हम इस वीडियो में सिर्फ सिंपल स्टीम टेबल के न्यूमेरिकल कैसे डिस्कस करते हैं उसको स्टडी किए, नेक्स्ट में हम जो फॉर्मूले से रिलेटेड होंगे स्टीम टेबल उसको डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।